नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोश सोलोस्ट्री में। दोस्तों, सनी देओल 30 साल बाद 2023 में अपनी राशि बदल करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सनी का राशि परिवर्तन काफ़ी महत्व रखता है। इसकी वजह से ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन जानकारों ने 2023 में सनी का परिवर्तन जहां कुछ राशियों के लिए शुभ साबित होगा, वहीं यह परिवर्तन कुछ राशियों के लिए अशुभ भी साबित होगा। 2023 में सनी का राशि परिवर्तन क्यों होगा खास? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2023 में सनी जो 30 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ऐसे में 30 साल बाद सनी का राशि परिवर्तन खास माना जा रहा है। शनिदेव न्याय के देवता माने गए हैं। ये हर इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं। जब शनि देव शुभ स्थिति में होते हैं तो जीवन में खुशियां बरकरार रहती हैं। वहीं शनि के अशुभ होने पे जातों को कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। शनि देव का राशि परिवर्तन मकर राशि से के लिए अत्यंत खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की माने शनि का गोचर इस राशि से संबंधित जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस दौरान शनिदेव की कृपा से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बिजनेसमैन को विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। नई नौकरी की सौगात मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कुल मिलाकर 2023 मकर राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। इस राशि से संबंधित जातकों को भी शनिदेव से विशेष कृपा प्राप्त होगी। दरअसल 30 साल बाद हो रहे शनि के राशि परिवर्तन के इस राशि के लोगों के जीवन पर खास परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। बिजनेस में काफ़ी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों का निपटारा होगा। शनिदेव की कृपा से भाग्य का भी साथ मिलेगा। और इसके अलावा जो लोग नौकरी में बदलाव की कोशिश करेंगे उसके लिए शनिदेव सहायक होंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए 2023 पे भी शनिदेव मेहरबान रहेगा। इन्हें नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें और किन राशियों के लिए यह नया साल शनिदेव कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, उनमें से है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी यह वर्ष बेहद ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं निकलने के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं में सफलता के अद्भुत चांस दिख रहे हैं। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी यह वर्ष काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि कुंभ राशि यानी लग्न में शनिदेव आ रहे हैं। और बात करते हैं अंतिम तुला राशि। तुला राशि के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी अपने पंचम भाव में आ रहे हैं। इस स्थिति में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव बनाएंगे और यह साल इन राशियों वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।